स्वागत है क्लास टू। आपका ये पहला पार्ट है जो कि कविता है और आपका पुस्तक ये है फुहार पार्ट टू। सो हम इस कविता में डॉक्टर मनु द्वारा लिखित ये कविता है सोने जैसे दिन है इसके। ये बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें राष्ट्रभक्ति के ऊपर लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि हमारा भारत जो है बहुत तरह के जाति बहुत तरह के फूल खिले हैं यहाँ पे अलग अलग रंग के जो कि एक साथ सब मिलके इस भारत में एक साथ रहते हैं। अच्छा ये पार्ट स्टार्ट करूँ ये कविता हम शुरू करें इससे पहले आप देखो कि अपने बुक में देखिए कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र है जो कि सूरज है तरह तरह के धर्म के जाति के लोग यहाँ पे है और ये बच्ची है और ये झरने फूल वगैरह सब खिले हैं। तो सब आप सब अपने बुक खोलिए पेज नंबर 3 लेसन नंबर 1 जो कि कविता है सोने जैसे दिन है इसके। और ये पार्ट स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ आसानी हो इस पोएम को सीखने में पढ़ने में इसलिए हम पहले देखिए शब्दार्थ है पग पैर अनुपम अनोखा सिंधु सागर माथ हरा देना मतवाला मस्त पात पत्ते। आप सब इसको पढ़िएगा जिसे आपको ये कविता पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आप सब देखिए अभी हम पोएम पढ़ते हैं सब एक साथ मिलके पढ़ेंगे आप सब भी पढ़ना। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे ऊंचा मुकुट हिमालय उजली सी नदियों की माला है बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाला है अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे एक बगीचा देश हमारा फूल प्यार के खिले यहाँ अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ हर मौसम में मुस्काते हैं इस भुवन के पात्र। ये कविता जो है डॉक्टर मनु द्वारा लिखी है। अब हम इस कविता के बारे में जानेंगे कि इस पोएम में डॉक्टर मनु जी बोलते हैं कि उनका मुंह छोटा पड़ गया है इस भारत की एकता के बारे में बताते हुए। पहले पैरा में बोलते हैं कि छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात रे। कभी मनु जी कहते हैं कि उनका मुंह छोटा पड़ गया है जो कि भारत के बारे में बताते हैं वो कि वो और क्या क्या बताएं वो अपने छोटे से मुंह से। वो बोलते हैं कि हमारा जो भारत है वो उसके दिन सोने जैसे हैं मतलब सूरज जो है उसकी किरणें जो पीली रंग की प्यारी सी निकलती है जिसके कारण पीला रंग सोना रंग जैसा हो जाता है और रात जो है बहुत साफ सुथरी है और चांदनी से भरी हुई है जिससे हमारी रातें जो है चांदी जैसी है सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात है। ऊंचा मुकुट हिमालय उजली सी नदियों की माला है बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाला है अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात्रे। यहाँ पे फिर कभी बोलते हैं कि हमारे जो भारत का जो सर है उसने बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर अच्छा हिमालय से बना हुआ मुकुट है ना हमारे सर में अगर मुकुट होगा क्राउन होगा मुकुट मतलब क्राउन तो वो सबसे पहले दिखेगा हमको जिस तरह से हमारे भारत के देश में क्राउन है भारत का जो क्राउन है वो हिमालय है जैसे ऊंचा मुकुट हिमालय नदियों से उजली सी नदियों की माला है बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाला है। फिर वो बोलते हैं कि बताते हैं कि हमारे यहाँ की नदियाँ जो है बहुत ही साफ और स्वच्छ जल से भरी हुई है जो कि उजली नदियों की माला है तरह तरह के नाम के नदियाँ हैं यहाँ पे और ये सब नदियाँ जो है मिलके एक साथ बह के हमारे भारतवर्ष को एकता में और उजागर करती है। और बोलते हैं कि ये जो पग है भारत के जो पग हैं वो बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाला है अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात्र। और फिर वो बोलते हैं कि ये जो स्वच्छ जल है इससे हमारा देश जो है बार बार पग धोया करता है नील सिंधु मतवाला और इससे हमारे भारत की सुंदरता और भी बढ़ती है अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात्र। यहाँ पे देखो फिर अनुपम का अर्थ है अनोखा मीन्स यहाँ की जो अनोखी सुंदरता है वराइटी स्टाइल की जो सुंदरता है उसने हमारे सारे जग को हरा दिया है। एक बगीचा देश हमारा फूल प्यार के खिले यहाँ अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ
हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्र। फिर कवि बोलते हैं कि एक बगीचा जैसा है हमारा देश, जिसमें तरह तरह के धर्म, तरह तरह के जाति के लोग रहते हैं एक साथ, सभी प्यार से एक साथ, सब मिलके मुस्काते हुए एक साथ रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पिक्चर में भी, देखो सभी धर्म के लोग एक साथ भारतवर्ष में रहते हैं, तरह तरह की बोलियाँ हैं हमारी, फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी प्रेम से मिले यहाँ, हर मौसम में मुस्काते हैं इस वन के पात्र। यहीं पे कवि कवि बोलते हैं कि इसी तरह से हर मौसम में किसी भी तरह का कोई भी हमारे देश में प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें वो हर एक प्रॉब्लम को मुस्काते हुए फेस करते हैं। यही कविता का सार है। तो डॉक्टर मनु जी बोलते हैं कि इस कविता में है कि हम सब एक हैं। कविता कवि का कहना है कि हम सब मिलके भारतवर्ष में एक साथ एकता के साथ रहते हैं। तो आप सब इसको दोबारा पढ़ना, इस कविता को आप सिद्धार्थ को भी पढ़ना, और पीछे कुछ एक्सरसाइजेस है उसे भी पढ़िएगा। थैंक यू। Stay home, stay safe, do it for